निजी शिक्षण क्लास चलाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध हाई कोर्ट में PIL। 2002 का गुजरात सरकार का निजी शिक्षण क्लास अधिनियम मुजब सरकारी और ग्रांटेड पाठशाला के अध्यापक निजी शिक्षण क्लास नहीं कर सकते, फिर भी अधिनियम का खुलेआम भंग हो रहा है। सरकार ने मना करने के बाद भी निजी शिक्षण क्लास चलाकर बड़ी संख्या में फीस ले रहे हैं। कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा 70 गुण की और 30 गुण स्कूल की ओर से दिए जाते हैं। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अश्विन लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ गुजरात अकेडमिक एसोसिएशन सेक्रेटरी छूँ, अहमदाबाद एजुकेशन ग्रुप जे छे एनी साथे हूँ संकळायेलो छूँ। ट्यूशन अधिनियम 2002 गुजरात सरकार ना शिक्षण विभाग ना ठराव मुजब शाळा नो कोई पण शिक्षक के जे सरकारी शाळा नो होय, ग्रांटेड होय, नॉन ग्रांटेड होय अथवा शाळा थी कमातो कोई पण शिक्षक ए प्राइवेट ट्यूशन करी शके नहीं, अने जो ए करता पकड़ाय तो एनी ऊपर सस्पेंशन ना पगला लेवा, एमने बरतरफ करवा अने बीजी वार एमने कोई पण जग्याए नौकरी मां न लेवा, आ प्रकारनो एक अधिनियम छे। आ अधिनियम ना चुस्त पालन माटे थईने अमे गुजरात सरकार, शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्री, DEO कचेरी, राज्यपाल, पोलिस कमिश्नर, गुजरात अमदावाद ना कलेक्टर थी लईने वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी, PMO कार्यालय अने आपणे दरेक प्रकारनी ज्यां ज्यां अमारे दाद मांगवानी हती त्यां अमे दाद मांगवा गयेला, परंतु अमे स्कूलोना नाम, स्कूलोना शिक्षकोना नाम सरनामा साथे आवेदन पत्र आपेल छता अमारुं कोई पण जग्याए वात सांभळवामां ना आवी अने कोई पण जग्याए ना पगला लेवामां ना आव्या, माटे अमारे ना छूटके हाईकोर्टनी अंदर PIL करवी पड़ी छे अने अमे हाईकोर्टना PIL मां दाद मांगी छे के गुजरात सरकार ए शैक्षणिक अधिनियम 2002 नो कड़क रीते पालन करावे अने गुजरातनी अंदर शाळामां जे शिक्षको भणावे छे તેઓ કોઈ પણ રીતે વેતન કે અવેતન શાળાના સમય દરમિયાન અથવા તો શાળાના સમય બાદ ટ્યુશન ના કરી શકે, કારણ કે આપને ખબર છે કે ટ્યુશનની ફી જે છે એ શાળાની ફી કરતાં પણ 3 ગણી વધારે થઈ ગઈ છે, અને આવા વખતે ધોરણ 10 ની અંદર જ્યારે 70 માર્ક જ માત્ર 100 માર્કની દીકરો કે દીકરી એક્ઝામ આપે છે વાલીની, પરંતુ માત્ર 70 માર્ક એમની માર્કશીટ ઉપર આવે છે ને 30 માર્ક શાળાએ આપવાના હોય છે।